काफी ज्यादा नए लोग भी आज लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करना सीखना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही लोगों को ये लगता है देख के कि यार लाइव स्ट्रीम करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको चलाना सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम ईजी तरीका बताने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम करने का। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर उसको सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने किसी भी वेब ब्राउजर से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, और बड़े आसानी से। अब देखो ये काम करने के लिए आप लोगों को यूज करना है MobiZen Studio, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करोगे आप लोग डायरेक्टली ये वेबसाइट पे आ जाओगे। ये MobiZen की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो द वर्ल्ड इजिएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो कंटेंट क्रिएशन लाइव ऑन MobiZen। और यहाँ पे ये वेब बेस्ड है, तो इसका मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से ही आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हो और अपने जो भी स्टूडियो के पेजेस वगैरह हैं, जैसे भी आपको बनाना है अपने सीन्स वगैरह, वो आप क्रिएट कर सकते हो और लाइव जा सकते हो। काफी ज्यादा फीचर्स यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद में आप लोग सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो, गूगल अकाउंट से अपने साइन इन कर सकते हो डायरेक्टली। और उसके बाद में आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट लॉग इन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन फटाक से कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर लोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिंक्ड ब्रॉडकास्टिंग अकाउंट्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे आपको एड अकाउंट करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग अपना यूट्यूब चैनल, ट्विच, या फिर अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो RTMP की मदद से वो प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना है, आप यूट्यूब पे क्लिक करो और अपना यूट्यूब चैनल यहाँ से ऐड कर लो, जो भी आपको जहाँ पे भी आपको लाइव स्ट्रीम करना है। यहाँ पे मैंने अपना चैनल जो है वो ऐड कर दिया। ऐसे ही आप लोग ऐड अकाउंट पे क्लिक करके अपने मल्टीपल चैनल्स ऐड कर सकते हो। नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे स्टूडियो लिस्ट आपको दिखाई देगी, जहाँ पे आप लोग सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और अपना स्टूडियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग मल्टीपल स्टूडियोज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टूडियो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बने बनाए स्टूडियो के टेम्पलेट्स। अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे ब्लैंक ही सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग अपने स्टूडियो का जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। ये है हमारा स्टूडियो, कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप लोग सीन्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल सीन जो है वो ऐड होगी। राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनको मैं भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। यहाँ पे नीचे आप लोगों को ऐड स्ट्रीम का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपना कैमरा, मोबाइल कैमरा, माइक्रोफोन, शेयर स्क्रीन, आपको जो भी करना है यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे वेबकैम ऐड करना है तो यहाँ पे मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है आपके पीसी में जो भी कैमरा कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे मेरे पीसी में ये वेबकैम कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वो मैंने वेबकैम को सिलेक्ट कर लिया। और माइक्रोफोन, आपको जो भी ऑडियो के लिए जो भी आपको माइक यूज करना है आपके पीसी में कनेक्टेड वाला, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जैसे ये वाला माइक्रोफोन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा मेन माइक्रोफोन है तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे थोड़े और ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है AI की मदद से, तो ये ऑप्शन अगर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो AI की मदद से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। बट ये इतना अच्छा परफेक्टली काम नहीं करता है अगर आपका ग्रीन स्क्रीन नहीं है आपके पीछे, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। ग्रीन स्क्रीन अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोग ये ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्रोमा की वाले, आपका पीछे का जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे इजीली एक क्लिक में। बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, आपका जो बैकग्राउंड है वो अपने आप जो है ये ब्लर कर देगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कोई भी इफेक्ट यूज नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। हमारा जो वेबकैम है यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे और मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो। मोबाइल एज अ कैमरा अगर यूज करना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पे क्लिक करो मोबाइल कैमरा पे, यहाँ पे मोबाइल कैमरा पे आप लोग क्लिक करो और यहाँ पे एक लिंक जो है वो आपको दिखाई देगी। इस लिंक को आप लोग ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, या फिर इस QR कोड को डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो और आपका जो मोबाइल फोन है उसका कैमरा आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे ये स्टूडियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप लोग माइक्रोफोन अगर ऐड करना है अलग से तो वो ऐड कर सकते हो। स्क्रीन शेयर करना है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपना कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऐप का विंडो शेयर करना है तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, या फिर अगर पूरी स्क्रीन आपको अपना डिस्प्ले शेयर करना है तो एंटायर स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पीसी में दो स्क्रीन कनेक्टेड है, तो जो भी स्क्रीन मुझे कनेक्ट यहाँ पे शेयर करना है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी शेयर होने लग जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे वीडियोज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। वीडियो पे क्लिक करो, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ओपन कर दो, तो वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मल्टीपल वीडियोज ऐड कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ऐसे मल्टीपल वीडियोज को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऊपर, अगर आप लोग देखो तो इनवाइट स्पीकर का ऑप्शन है, तो अगर आपको गेस्ट वगैरह इनवाइट करना है अपने इस लाइव स्ट्रीम पे, अगर आपको मल्टीपल गेस्ट ऐड करना है तो वो आप लोग इनवाइट स्पीकर से कर सकते हो।
फिर वो लोग अपना चाहे तो वो लोग भी अपना स्क्रीन वगैरह डिस्प्ले वगैरह शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पे सिंपल तरीका अगर मैं आप लोग बताऊँ तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप लोग मोबाइल कैमरा वाले ऑप्शन पे जाओ और ये वाले लिंक उनको शेयर कर दो तो उनके कैमरा की जो फीड है वो डायरेक्टली आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग राइट वाले पैनल की बात करें तो यहाँ पे अगर सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू देखने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे आपको रिकॉर्ड की बटन मिल जाएगी। अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हुए रिकॉर्ड करना चाहते हो अपनी लाइव स्ट्रीम तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ऐड ब्रॉडकास्ट सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपकी लाइव स्ट्रीम आपके चैनल पे जाएगी ही नहीं। यहाँ पे ऐड ब्रॉडकास्ट सर्विस पे और यहाँ पे आपको जो भी चैनल अपना ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। समझ लो मुझे फिलहाल मैंने सिर्फ अपना एक ही यूट्यूब चैनल ही ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे ये चैनल मेरा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको मैं यूज़ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे वो चैनल जो है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल चैनल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चैनल दिखाई देंगे। तो अगर आपको अलग अलग चैनल्स पे एक साथ लाइव स्ट्रीम करना है जैसे ट्विच पे, यूट्यूब पे और भी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, तीनों पे एक साथ लाइव स्ट्रीम करना है तो वो आप तीनों यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में जब आप लाइव जाओगे तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे आप एक साथ लाइव जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग अपनी पूरी चैट, जो भी आपकी चैट रहेगी वो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ है, आप किसी भी चैट को वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपने डिस्प्ले पे दिखा भी सकते हो, जो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप तीसरे ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप लोग साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान में। यहाँ पे लेआउट वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेआउट हमारे सीन का लेआउट है। जैसे अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये जो पहली सीन है, समझ लो यहाँ पे जो पहली सीन है यहाँ पे मुझे सिर्फ अपना फेस कैम ऐड करना है, खाली मैं दिखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर लो आप लोग और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपना वेब कैम, यहाँ पे जो हमने नीचे ऐड किया था ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, हमारा जो वेब कैम है वो यहाँ पे पहले सीन में दिखाई देने लग गया है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे सेकंड सीन में कुछ ऐड करना, सेकंड सीन का लेआउट भी यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो बने बनाए लेआउट दिए हुए हैं उनको यूज़ कर सकते हो। समझ लो सेकंड सीन में हम लोग चाहते हैं कि कुछ ये वाला लेआउट रहे, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि अपना हम लोग स्क्रीन शेयर कर दें या फिर कोई वीडियो ऐड कर दें और यहाँ पे हमारा फेस कैम दिखाई दे, तो फेस कैम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो छोटी वाले विंडो में और जो भी वीडियो आप डिस्प्ले करना चाहते हो यहाँ पे वो वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे ध्यान से नीचे आपको प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग प्ले कर सकते हो तो वो वीडियो यहाँ पे जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वीडियो लूप में चलते रहे तो यहाँ पे ये लूप वाला ऑप्शन है, इसको आप लोग यहाँ पे ब्लू करके रख दो, मतलब सिलेक्ट करके रख दो, सो दैट ये वीडियो लूप में चलते रहे यहाँ पे सेकंड सीन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लो एक और सीन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग एक और सीन क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे ये सीन के भी लेआउट को आप लोग यहाँ पे किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। समझ लो मैं कोई गेस्ट वगैरह इन्वाइट करना चाहता हूँ, उनके साथ में लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो मैं ये लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं समझ लो अपना जो कैमरा का फीड है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बाकी सी यहाँ पे जो बाकी लेआउट है यहाँ पे मैं उनका जो गेस्ट के जो कैमरे की फीड रहेगी उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। अब उनका फीड कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग इनवाइट स्पीकर पे क्लिक कर सकते हो और अपने किसी भी गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मैं ही अकेला हूँ तो यहाँ पे मैं उनको ऐड नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही वो लोग ज्वाइन कर लेंगे आपके इनवाइट स्पीकर के यहाँ पे लिंक से, उसके बाद में उनका भी फीड यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देने लग जाएगा और उसको भी आप लोग सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आपके गेस्ट भी यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं इनको प्ले कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रियलिस्टिक लगे, तो कुछ इस प्रकार से आपके गेस्ट की भी जो फीड है वो यहाँ पे दिखाई देगी। अब अगर आपको देखना है कि ये प्रॉपर दिखाई कैसे देगा तो यहाँ पे ऊपर लॉक एडिट का ऑप्शन है, इसको लॉक कर दो तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइव स्ट्रीम पे कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे मूवीज एन का लोगो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना खुद का लोगो ऐड कर सकते हो। वो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे से लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई लोगो यूज नहीं करना है तो डू नॉट यूज पे क्लिक कर दो, वो लोगो हट जाएगा। या फिर आप अपना खुद का लोगो अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है उसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपका खुद का लोगो जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सेकंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग बैनर वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बने बनाए बैनर कुछ दिखाई देंगे तो इनमें से कोई भी बैनर अगर आपको यूज करना है, जैसे मतलब मुझे ये यूज करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ये बैनर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं अपना पोजीशन को कहीं पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर अपने हिसाब से आपको कोई भी बैनर को बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड बैनर पे क्लिक करके अपने हिसाब से भी किसी भी कलर का जो है वो बैनर बना सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे टेक्स्ट आपको ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे समझ लो रेड बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट है या फिर ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट, तो यहाँ पे ऐसे बस सिलेक्ट करो, टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करो और अपना जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। अब जैसे टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो इसको आप लोग सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो एक बार और इसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे ऐसे बड़ा कर सकते हो,
ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको इमेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आपको कोई भी इमेज ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कोई भी इमेज जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट सीन पे जाएं, और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना डिस्प्ले पूरा स्क्रीन शेयर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर वाला जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे समझ लो मुझे एक विंडो को शेयर करना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरा ये जो विंडो है, यहाँ पे जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये विंडो मुझे समझ लो शेयर करना है ये सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा शेयर पे, तो वो जो पर्टिकुलर विंडो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी नीचे। अब इस विंडो को हम लोग यहाँ पे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये विंडो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी, और इसको अपने हिसाब से भी रिपोजिशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने लेआउट नहीं सिलेक्ट किया, हमने फ्री वाले लेआउट पे सिलेक्ट करके रखा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ को डायरेक्ट ऐड करना है और इसको अपने हिसाब से पोजीशन करना है तो आप फ्री वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन में आके, सो दैट आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे खुद पोजीशन कर सकते हो कहीं पे भी। तो अब यहाँ पे मेरे वो सॉफ्टवेयर की विंडो जो है वो यहाँ पे आ गई। अब समझ लो यहाँ पे मैं अपना फेस कैम ऐड करना चाहता हूँ, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे रिसाइज कर दूंगा उस हिसाब से। अगर आपको क्रॉप करना है अगर कोई भी चीज़ को, तो आप लोग उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे जूम करना है तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे रेडियस मतलब उसका जैसे कॉर्नर जो है उसको रेडियस देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, शेडो देना चाहते हो वो दे सकते हो, बॉर्डर देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर इंक्रीज करो, जो भी कलर की आपको बॉर्डर देना है वो कलर सेलेक्ट करो, कंफर्म करो यहाँ पे, उसके ऊपर जो है वो बॉर्डर भी आ जाएगी। क्रॉप करना है तो बस राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप लोग कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ऐसे क्रॉप कर सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन कर दो, ओके कर दो, उसके बाद आप लोग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कहीं पे भी अपने सीन में, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वैसे आप लोग कर सकते हो। तो कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड सीन जो है वो क्रिएट कर सकते हो बड़े आसानी से, यहाँ पे कोई भी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। जब सारी चीज़ आपने अपने हिसाब से सेट कर दिया है, यहाँ पे आप लोग एक बार कंफर्म कर लो कि आपने अपना करेक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो ऐड किया है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम करना है, इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करना है, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर रखा है। उसकी विजिबिलिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पब्लिक रखना है तो पब्लिक रखो, अभी के लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम। अपने लाइव स्ट्रीम का आपको क्या टाइटल रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, तो जैसे यहाँ पे मैं इस टाइटल को चेंज कर देता हूँ, लाइव विद मूवीज एंड अभिषेक मिश्रा ये रहने देता हूँ टाइटल। और डिस्क्रिप्शन आपको जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपने इतना काम कर दिया, वो सेटिंग्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब लाइव जाने के लिए आप लोग यहाँ पे सिंपली स्टार्ट ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पे लाइव शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यूट्यूब का पैनल खोल लिया अपने चैनल का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे लाइव है, और लाइव स्ट्रीम यहाँ पे चालू है, और यहाँ पे भी हमारा ब्रॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट है। अब यहाँ पे जो भी सीन मुझे यहाँ पे दिखाना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी हमारी ये सीन दिखाई दे रही है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे, समझ लो सीन वन मुझे दिखाना, तो यहाँ पे हम सीन वन पे आ जाएंगे तो हमारे लाइव स्ट्रीम पे भी सीन वन दिखाई देगी। अब यहाँ पे कुछ एक डेढ़ सेकंड का तो डिले होता ही है लाइव स्ट्रीम में, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग चैट जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं बता रहा था। तो जैसे मुझे यहाँ पे हेलो लिख दिया किसी ने, समझ लो चैट पे जिसने भी कुछ भी लिखा अगर वहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, ये ऑप्शन पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको वो चैट दिखाई देगी। अगर वो चैट स्पेशल है आपको लाइव स्ट्रीम पे भी वो चैट दिखाना है, तो आप बस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, होवर करके वो चैट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगी आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके लाइव स्ट्रीम पे भी। तो जिस हिसाब से आप लोग किसी की चैट जो है वो भी अपने लाइव स्ट्रीम पे शो कर सकते हो, उसके बाद आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम को बस यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, सीन चेंज करना है ऐसे सीन चेंज करो, आपके लाइव स्ट्रीम पे भी वो सीन दिखाई देगी, यहाँ पे अलग सीन करना है ये सीन पे आ जाओ, ये सीन भी आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगी। कुछ इस हिसाब से आप लोग पूरी लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो और लाइव जा सकते हो अपने मल्टीपल चैनल्स पे जहाँ पे भी आपको लाइव जाना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को इनका प्राइसिंग दिखा दूं, तो वैसे तो आप लोग इसको पूरा फ्री में यूज कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, जहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पे इनका जो स्टैंडर्ड प्लान है जो कि पेड प्लान है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, ये सारे फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस 5 स्पीकर आप लोग ऐड कर सकते हो, मतलब वही गेस्ट को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे वाटरमार्क हट जाएगा, और यहाँ पे QHD 2K तक की ब्रॉडकास्टिंग आप लोग कर सकते हो, मल्टी ब्रॉडकास्ट 3 चैनल तक आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अगर आप लोग करोगे यहाँ पे जाके साइन अप, तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो ओपन इवेंट, यहाँ पे 12 मंथ के लिए फ्री में आपको यहाँ पे पेड प्लान भी 12 मंथ के लिए फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग जाओ यहाँ पे फटाक से और इसको यूज करो आप, और आपको पेड प्लान भी फ्री में मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो फटाक से नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उसको यूज करो, और यहाँ पे प्राइसिंग पे जाओ, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप लोग आओगे लिंक पे, जो मेरा लिंक पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे आओगे, प्राइसिंग पे जाना आपको, और यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड प्लान पे यहाँ पे ओपन इवेंट पे आप लोग क्लिक कर सकते हो और इसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हो।